मानता हूँ, मानता हूँ। कुरान वाली बोल रहे थे, उसका तो जवाब दे दिया, बाकी हमने सत्यात प्रकाश को भी कोट कर दिया। आपको क्या लगता है क्यों वो लोग ऐसे झूठ फैला रहे हैं? नहीं, पर्टिकुलर किस बात से आपको आपत्ति है? बहुत सारी बातें उनके आपत्ति है, जैसे कि बहुत सारी विष्णु भाई देख लीजिए, जैसे कि फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? सनातनी करता है। तो उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले, यानी क्षमा मांग ले, घुटने टेक दें और नमाज कायम कर लें, 12-10 सूरा जी विष्णु जी, सुना आपने, क्या लगता है ये सब सही बात लिखा हुआ, मतलब ऐसा सही बोल रहे हो? तो क्या इस इत्तेफाक नहीं, क्या ये कुरान की आदमी थी? वैसे तो मैं बहुत सारी आयतों को पढ़ सकता हूं भगवत गीता की, जिसमें लिखा हुआ कि मैं विनाश के लिए आया हूं। तो क्या कृष्ण विनाश के लिए आए? ये पर्टिकुलर जो भी आपके सामने मैं पढ़ा हूं, चैप्टर 11 वर्स नंबर 32, मैं बैठा हुआ हूं अभी इसी तरीके से थर्मल लाइफ पे, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं विनाश हूं। इवन ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब के बनाने वाले, वो भी एटम बॉम्ब को फोड़ने के बाद यही लाइन पढ़ते हैं, देखिए ये विनाश है, ये विनाश के लिए आए थे। सही होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर आप कुछ पर्टिकुलर रीजन बता, हां बिल्कुल विनाश के लिए आए, विनाश माता का वो पर्टिकुलर कोट उठा रहे हैं, वहां पे उन्होंने कहा होगा ना, अगला कांटेक्ट पढ़ना होगा, किस कांटेक्ट को बोला मैं पढ़ लूंगा। इसी तरीके से कुरान में, हाँ, उसी तरीके से कुरान में भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर नीचे लाइंस लिखी हुई है, और इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके इस तरीके से बीच में दिखाना, और आपको हिंदू ने लिखा हुआ तो सामने रखा, वो कोट सामने रखें, मैं कोट सामने रखूंगा तो आप ही मान लीजिए, और आप उसको क्लियर करें, और आप ये भी मानिएगा कि, सुनिए सुनिए मेरा पूरा पॉइंट, मैं खोलूंगा अभी उसको, आप ये कोट को क्यों इतना उत्सुक हो रहे हैं? आप भी मानते हैं ना, आपने खुद कोट किया, वो आप सामने मेरा इसके हैं, तो प्लीज आप क्लियर कर दें कि कुरान में बात किस संदर्भ में, लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये कहीं से आए हैं बता रहे हैं। मैं खोल देता हूं सूरह तौबा, ठीक है ना, सूरह तौबा सूरह नंबर 5, ठीक है, और इसमें जो संदर्भ है, जो कि गौतम जी ने बताते और जो कि विष्णु जी भी नहीं जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि विष्णु जी भी इसको नहीं जानते होंगे, संदर्भ जो है वो है एक पीस ट्रीटी का, एक पीस ट्रीटी था और उसको जो है उदेबिया के बारे में है, और वो उसमें क्या होता है कि जो मुशरिकीन थे, जो कि मक्का वाले मुशरिकीन थे, उन लोगों ने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया था। तो जब उन्होंने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया था तो अल्लाह ताला इन आयतों को नाजिल करते हैं कि उनको वक्त दो 4 महीने का, और अगर फिर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो फिर जंग होगी, और जंग में फिर जो होता है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी तुम मुशरिकों को, जंग के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जहां भी तुम मुशरिकों को देखो उसको क्या करो, कत्ल करो, ठीक है। इतिहास में आप एक बार ओपन कर सकते, क्योंकि पता नहीं मेरा Quran.com क्यों काम नहीं कर रहा सही से, मैं ओपन करता हूं, आप ओपन कर दे, तो विष्णु भाई उसमें बात यही हो रही है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम उस वक्त थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग पीस ट्रीटी को तोड़ दिए थे और उसके बाद ये आयत नाजिल होती है, ठीक है ना। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि आज के डेट में ये आयत इरेलेवेंट है? आज के डेट में भी रिलेवेंट है, अगर कोई इसी तरीके का सेम काम करता तो रिलेवेंट हो जाएगा। अगर कोई इसी तरीके का सेम काम करेगा, पीस ट्रीटी कहीं पे तोड़ेगा, कहीं पे इस्लामिक स्टेट रहेगा और वहां का पीस ट्रीटी को तोड़ देगा और उसके बाद इस तरीके से जंग होता है, तो आज के डेट में भी रिलेवेंट हो जाएगा यार, समझ रहे? नहीं समझ में मेरी बात? नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल हो गया स्क्रीन पे आ गया, ये देखिए पीस ट्रीटी का ये बात होता है, सूरह तौबा है, ये शुरू में ही अल्लाह ताला पीस ट्रीटी इनटू ट्रीटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 तो खट्टर जी पढ़ते हैं, लेकिन आयत नंबर 6 नहीं पढ़ते। अगर आयत नंबर 6 पढ़ लेंगे तो सारा का सारा मसला ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आयत नंबर 6 में लिखा हुआ, हां वही सामने चला रहे हैं, आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर ये जंग के दौरान भी अगर आपके सामने कोई मुशरिक ये पूछे, आप प्रोटेक्शन मांगे, वो प्रॉफिट ग्रांट इट टू देम, तो उनको क्या करना है, तो उनको प्रोटेक्शन देना है। अगर मुशरिकों में से कोई तुझ पर पनाह तलब करे, इवन जंग के दौरान में बात हो रहा है, तो यहां तक कि वह कलाम अल्लाह को सुन ले। आपको सिर्फ जंग में ज्यादा से ज्यादा कोई आर्मी जनरल अच्छा रहेगा तो बोलेगा कि ऐसा करो कि उसको छोड़ देना, कोई बोल दे तो छोड़ दो, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि आपको उसको छोड़ना ही नहीं है, बल्कि उसको अमन की जगह तक भी पहुंचाना है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 उसी के आगे लिखा हुआ, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है, समझ में आ रहा है विष्णु भाई? तो इसलिए आप मान रहे कि गलत किया है धर्मालय वाले ने, लो